हमीरपुर जिला में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसते हुए टीकाकरण अभियान में तेजी लाई है। इसी के चलते तृतीय चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क टीके लगवाए जाएंगे। हमीरपुर जिला में लगभग 50,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कोविन ऐप पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के साथ साथ टीकाकरण सत्र पर ऑन साइट पंजीकरण भी करवाया जा सकता है। सीएमओ अर्चना सोनी के अनुसार टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग जुटा हुआ है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारी आम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि दो तरह से इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि हमारे पास एक कोविन ऐप है। कोविन ऐप जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे, कोविन लिखेंगे, ऑटोमेटिकली दैट ऐप विल वर्क। उस कोविन ऐप में जैसा कि आप रजिस्टर करते हैं, दो तीन स्टेप्स हैं। आपको अपना आधार प्रेफरेंस, आपकी जो है आईडी प्रूफ की आधार है, और नंबर दो पर इन एनी केस अगर आधार नहीं है देन वी कैन टेक वोटर इलेक्टोरल कार्ड, और अगर वो भी नहीं है तो फिर हमारे फोटो आईडी प्रूफ, बाकी जो पैन कार्ड और एसबीआई बैंक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सब चलती हैं। बट प्रेफरेंस हमारी शुरू में इन्हीं दो चीजों की है। तो इसके साथ आप लॉगिन कर सकते हैं, और एक मोबाइल के साथ हम चार लोगों को एक मोबाइल नंबर पर हम चार लोगों को, एक अपने आप को और उसके साथ तीन एडिशनल चार लोगों को हम रजिस्टर कर सकते हैं। ओनली वन हॉस्पिटल हैज एग्रीड फॉर इट एंड दैट इज पार्वती हॉस्पिटल दिम्मी। तो पार्वती हॉस्पिटल दिम्मी के लिए हमने यहाँ पेड वैक्सीनेशन होगी। यहाँ हर बेनिफिशियरी को 250 रुपया देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पैटर्न वहां भी सेम ही रहेगा, टीम्स वैसी रहेंगी, सारा स्पेस कोल्ड चेन मेंटेन होगी वहां। सब तीन चार क्राइटेरिया हैं इसके कि वहाँ कोल्ड चेन मेंटेन हो, रजिस्ट्रेशन हो, जैसा कि हमारे पास स्पेस होना चाहिए, स्पेस हो, और ट्रेंड वैक्सीनेटर होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की यही चार कंडीशंस हैं जिसके बेस पर हम उनको इसके लिए एलिजिबल मान रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास पार्वती हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन हुई है और हम उनके थ्रू वहाँ पर, यह है कि वहाँ पेड होगा। और एक अपने बेनिफिशरीज को मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जिनकी फर्स्ट डोज हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लग चुकी है, क्योंकि पहली मार्च ऑनवर्ड्स ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ये पेड होगा, इट विल बी पेड 100%। तो जिनकी फर्स्ट डोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री लग चुकी है, अगर वो सेकेंड डोज लेने प्राइवेट में जाते हैं तो वहां उनको पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दिस वैक्सीन इज बीइंग गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द बेनिफिशियरीज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसके कोई चार्जेस नहीं है, प्राइवेट में इसके चार्जेस हैं। सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे टीकाकरण के लिए स्वेच्छा से आगे आएं और इस महामारी के प्रसार को रोकने में अपना बहुमूल्य सहयोग दें, इससे आपका परिवार एवं समाज सुरक्षित हो सकेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों को इस बारे में ग्राम स्तर तक जागरूकता लाने के लिए संघन कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। जानते हैं कि अब हमारा जो थर्ड फेज वैक्सीनेशन का चल रहा है, इसमें एज एप्रोप्रिएट कैटेगरीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें हमारे तीन तरह की वैक्सीनेशन रहेगी। एक रहेगी जो हमारे फर्स्ट डोज लग चुकी है, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको सेकेंड डोज लगनी है, एक वो रहेंगे। और दूसरा रहेगा हमारा एज 60 साल से ऊपर वाले लोग, जिनकी एज 60 साल से ऊपर वाली है उनको वैक्सीनेशन करने का प्रावधान है सभी लोगों को। और तीसरे हमारे रहेंगे 45 साल से लेके 59 ईयर के जो लोग हैं उनको, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी कि कोई एसोसिएटेड ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि उनको प्रायोरिटी पर पहले लगवानी पड़ सकती है। उसमें हमारे पास 20 कंडीशंस हैं, वो हमने सर्कुलेट भी की हुई हैं, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, रीनल प्रॉब्लम, कोई ऐसी गंभीर बीमारियां जिनके चलते लगता है कि इनको वैक्सीनेशन पहले लगवाने की ज़रूरत है। तो इनको हमने ये उस ढंग से वर्कअप करना है। इसका अब थोड़ा सिंपल सिस्टम और भी सिंप्लीफाइड हो गया है।
हमारे जितने भी हैं 193 हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट में, मेडिकल कॉलेज, ब्लॉक हेडक्वार्टर, CHCs, PHCs और हेल्थ सब सेंटर्स। अब ये वैक्सीनेशन हमारी हेल्थ सब सेंटर तक लगेगी, तो वहाँ हेल्थ सब सेंटर्स को डाल के टोटल हमारे इतने इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जिनमें कि हमारा गवर्नमेंट का प्रावधान रहेगा, गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन रहेगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में टीकाकरण के लिए इस सप्ताह के 3 दिन मंगलवार, वीरवार एवं शुक्रवार निर्धारित किए गए हैं। आगामी 7 मार्च 2021 से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन तय किए गए हैं। 15 मार्च से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मंगलवार तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों में प्रत्येक वीरवार को COVID-19 के टीके लगाए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, आज जैसे ही पोर्टल ऊपर से शिमला से खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी, और 1 से 6 तक अब इसको फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। 1 से 6 तक ये मेडिकल कॉलेज में, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहेगा, यानी कि मेडिकल कॉलेज में दिए जाएंगे। उसके दिन है हमारे रखे हुए हफ्ते में 3 दिन, ट्यूजडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 दिन है, और चौथा दिन रहेगा अल्टरनेट संडे। ये 4 दिन रहेंगे मेडिकल कॉलेज के, जहाँ जब ये वैक्सीनेशन दी जाएगी। सेकेंड फेज में हम 7th ऑनवर्ड्स हम अपने ब्लॉक हेडक्वार्टर्स और CHCs उनको लेने जा रहे हैं, तो उनके हमने दिन रखे हैं ट्यूसडे, फ्राइडे एंड अल्टरनेट संडे, यानी कि 2 दिन हफ्ते में, मंगलवार और शुक्रवार और अल्टरनेट संडे, ये 3 दिन हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर रहेंगे वैक्सीनेशन के लिए। फिर 15 तारीख से हम PHC और हेल्थ सब सेंटर लेवल तक वैक्सीनेशन कराएंगे, तो उसमें हर PHC में मंगलवार को, ट्यूसडे को हम वैक्सीनेशन का डे फिक्स कर रहे हैं, मंगलवार को हर PHC में, हमारे जैसे 33 PHCs हैं तो उन PHCs में मंगलवार को वैक्सीनेशन होगी, और हेल्थ सब सेंटर में हमने रखा है थर्सडे, वीरवार को हर वीरवार को हेल्थ सेंटर्स में, हेल्थ जो हमारे हेल्थ सब सेंटर्स हैं उनमें वैक्सीनेशन होगी। और ये हमारा डेस्टिनेशन ये है कि हमने हमारे जिला की टोटल पॉपुलेशन का रफली 10.2% जो हमारी पॉपुलेशन बनती है उसको, वो हमारा रफ एक आइडिया है कि वो हमने हमारी कैलकुलेशन रहेगी कि अराउंड 50,000 के आसपास हमारे बेनिफिशियरी बन रहे हैं जिनको हमने इस वैक्सीनेशन चरण में हमने उनको वैक्सीनेट करना है। बता दें कि विभिन्न कारणों से टीकाकरण से छूट गए पंजीकृत अथवा गैर पंजीकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व फ्रंटलाइन वर्कर को भी टीके की पहली या दूसरी डोज लगाई जाएगी। हमीरपुर जिला में अभी तक 5,418 पंजीकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से 4,504 को टीके लगाए जा चुके हैं। इसी प्रकार राजस्व विभाग के 408 में से 317, पंचायती राज संस्थानों के 479 में से 310 तथा पुलिस व होमगार्ड इत्यादि के पंजीकृत 1,443 में से 1,025 कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। शहरी निकायों के 34% वर्करों को टीके लगाए गए हैं।